कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूं DIY नाइट क्रीम। हाँ जी, DIY नाइट क्रीम, ये आपके स्किन के थ्रू आउट द डे जो डैमेज हो जाता है, जो सन के रेज से या जो भी पोल्यूशन, यूवी रेज, देन भाग दौड़ की वजह से आप अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाते हो, तो अगर आप दिन में नहीं कर पाते तो आप रात को अपनी केयर कर सकते हो। सो ये क्रीम मैंने कैसे बनाया है जल्दी से हम देख लेते हैं। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स सी व्हाट आई हैव क्रिएटेड। इस स्किन रिपेयर नाइट क्रीम को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सनबर्न को रिड्यूस करता है, एक्ने ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देन मैंने इसमें ऐड किया है 1 स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग एजेंट है, जो आपके स्किन के फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करेगा और प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। देन मैंने इसमें ऐड किया है 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बाहर के मॉइस्चर को बाइंड करके आपके स्किन में लॉक करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन मैंने इसमें ऐड किया है 2 स्पून ऑफ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके स्किन को हाइड्रेटेड फील कराता है और आपके स्किन को रिफ्रेश रखता है। देन मैंने इसमें ऐड किया है 1 विटामिन E कैप्सूल। आप विटामिन सी कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, टैबलेट को क्रश करके डाल सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, और वैसे ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई हार्म नहीं होगा। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद जो कंसिस्टेंसी निकल के आएगी ना, एकदम जेल टाइप सी लगेगी। और गाइस मैं बताऊँ आपको, जो मार्केट में जितने भी ब्रांडेड क्रीम्स होती है ना, सबका बेस ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि यार ये चीज़ें ना बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं स्किन केयर के लिए। उसमें वो कोकोनट मिल्क ऐड कर देते हैं, उसमें वो मैंगो के पल्प ऐड कर देते हैं, उसमें वो कॉफ़ी ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाती है एकदम एक्सपेंसिव, 1000 रुपये की, 1200 रुपये की। अपने को नहीं चाहिए, अपन यही कर लेंगे। और ये घर की चीज़ें हैं तो फ़ायदा ही करती हैं, नुकसान तो मैंने तो हार्डली किसी को देखा है किसी को नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा ज़बरदस्त करती है। तो इसे आप लोग ट्राई करो। मैं इसका भी आपको लाइव एप्लीकेशन दिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। और नाइट केयर है तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से केयर करना पड़ेगा। आप इसे एक अच्छे से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में, साफ जिसमें पानी नहीं हो, स्टोर कर लो और आप इसे रोज़ रात को लगाओ और 5-7 दिन में फिर बना लो। मतलब इतनी ही क्वांटिटी बना सकते हैं हम, और ख़राब तो नहीं होगा, बट आई प्रेफर कि 5-7 दिन में वापस से क्रिएट कर लो। अब आप देखो ये कितना अच्छा सा देखने में लग रहा है एकदम से, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी लेकर के आए हैं और धीरे धीरे तो हम अपनी फैक्ट्री खोल लेंगे। देखो मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई किया, हैंड पे अप्लाई किया है। सबसे पहले तो आप एक पैच टेस्ट ज़रूर करना कि आपकी स्किन को सूट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हो सकता है किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता हो, सकता है किसी को विटामिन ई सूट नहीं करता हो सकता है किसी को ग्लिसरीन सूट नहीं करता हो, तो एक बार ट्राई कर लें। एक बार ट्राई करने से समझ आ जाता है स्किन पर उसका इम्पैक्ट क्या है। हम बाज़ार वाली चीज़ें भी तो लेकर के आते हैं, तो एक बार ट्राई करने के बाद समझ नहीं आती तो हम साइड में कर देते हैं ना, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। तो फिर घर वाली चीज़ को तो अपन एक पैच टेस्ट कर ही सकते हैं। क्रीम का एप्लीकेशन मैं आपको करके बताऊंगी कि ये क्रीम कैसी बनी है। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इसे अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है, पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करना है। ये नाइट केयर रूटीन है या नाइट क्रीम है, तो ऑब्वियसली दिन भर हम नहीं कर पाते तो हम रात में अपनी स्किन की केयर करनी पड़ती है और करनी चाहिए, नहीं तो फिर स्किन तो वही थक के ख़त्म हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है एंड आई एम डन विथ माई नाइट केयर रूटीन और एप्लीकेशन ऑफ माई नाइट क्रीम। सो आई होप यू लाइक। बस लगा लिया है और अब आपको सो जाना है। मैं इंट्रो और आउट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी इसलिए मैं इस आउटफिट में हूँ। आपको रात को ये नाइट क्रीम लगानी है, और ये वाली क्रीम आप विंटर्स में डे टाइम में भी लगा सकते हो। इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, ग्लिसरीन होता है, तो डे टाइम में ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाएगा समर्स में। सो आप ये नाइट में ही यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।